किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको मूंग की उन्नत सफल खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जिसमें उन्नत किस्मों के बारे में बतलाएंगे। साथ ही बात करेंगे प्रति एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट, मूंग की फसल पर खाद का शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल और मूंग की फसल पर आने वाली लगभग सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी बतलाने वाले हैं। मूंग की खेती विस्तार से जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। रबी और खरीफ के मध्य ग्रीष्मकालीन के लिए मूंग सबसे कम समय पर सबसे अधिक मुनाफा देने वाली खेती है। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार, तो गेहूं, चना या फिर सरसों के बाद गेहूं की पराली को साफ करके कल्टीवेटर चलवा कर रोटोवेटर से एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट पूरे खेत में, जो पाउडर फॉर्म वाली सिंगल सुपर फास्फेट आती है, पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए। किसान मित्रों, बात करते हैं सोयल यानी मिट्टी, तो मूंग की फसल के लिए काली मिट्टी, काली दोमट, भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ रहित मिट्टी पर आप मूंग की सफल खेती कर सकते हैं। बात करते हैं अगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अनुकूल समय, तो 15 मार्च से 5 अप्रैल सबसे सूटेबल टाइम रहता है मूंग की खेती करने के लिए। अप्रैल के प्रारंभिक सप्ताह पर आप बुआई कर सकते हैं। मूंग की फसल के लिए यह बढ़िया टाइम होता है। बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, उन्नत किस्में। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में ही हम आपको बतला रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे उपयुक्त वैरायटी है MH 421, जिसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। सम्राट, जिसे PDM 139, जिसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल है। इसके अलावा पूसा ब्राट, जिसका उपज उत्पादन 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से है। और IPM 410-3, जिसे शिखा के नाम से भी जानते हैं, 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। आपको ये 4 वैरायटी में से जो भी वैरायटी मिल जाती है आप उसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एरिया में जो उन्नत वैरायटी हो, इम्प्रूव वैरायटी हो, अधिक उपज देने वाली वैरायटी हो, मिट्टी के हिसाब से सूटेबल हो, आप उस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता यानी सीड्स रिक्वायरमेंट पर एकड़, तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज पर्याप्त होता है। और घर का यदि बीज आप बुआई कर रहे हैं तो 10 से 11 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं बीज उपचार, तो बीज उपचार आप FBI पद्धति से ही आप बीजों को उपचार कर सकते हैं, यानी पहले फंगीसाइड्स हैं, फिर बैक्टीरिया साइड्स हैं, फिर इंसेक्टिसाइड यानी रेडोमेल गोल्ड, राइजोबियम और इमीडाक्लोप्रिड से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। बात करते हैं कतार से कतार की दूरी, तो मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि जो किसान भाई कतार से कतार यानी लाइन से लाइन की जो दूरी डिस्टेंस रखते हैं मूंग की फसल पर, 9 इंच के आसपास सामान्यतः हम डिस्टेंस देखते हैं। लेकिन यदि आप मूंग की बुआई 10 से 12 इंच की डिस्टेंस पर यदि बुआई करते हैं तो सबसे सही डिस्टेंस माना जाता है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, बुआई के समय खाद। हमारे किसान भाई कन्फ्यूज रहते हैं कि बुआई के समय खाद कौन कौन सी प्रयोग करना चाहिए। जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम रोटोवेटर से खेत को समतल करा रहे थे तो उसी टाइम हमने सिंगल सुपर फास्फेट SSP एक बोरी पाउडर फॉर्म वाली पूरे खेत में बिखेर दी थी। अब जब हम बुआई कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम DAP 15 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम और माइक्रो राइजोबियम 3 किलोग्राम बुआई के समय इन खादों का प्रयोग कर रहे हैं। और वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से ही बतलाई जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक, खरपतवार की रोकथाम। तो मूंग की फसल पर यदि खरपतवार अधिक उग जाते हैं तो लगभग 40-50% तक उपज में गिरावट आ जाती है। तो आपको खरपतवार नाशक का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो मूंग की फसल पर आप प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक का ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसे BASF कंपनी की बेलर
32 आती है, यानी 30 और 2 32, यानी 30% पेंडामेथिलीन और एमोजीथायपर 2% जो इसी फॉर्म में आती है। खरपतवार नाशक के बारे में हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। हेलो सर, जब आप मूंग की तुरंत बुआई करते हैं तो प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी आपको जैसे ही आपने बुआई करी तुरंत बाद आपको बेलर 32 का स्प्रे आप ले सकते हैं 800 ml प्रति एकड़ की दर से। जैसे ही आपने बुआई करी है 2 से 4 घंटे बाद आप स्प्रे कर दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि खरपतवार नहीं उगेंगे, ना ही चौड़ी पत्ती के और ना ही सकड़ी पत्ती के खरपतवार नहीं अंकुरण होंगे। प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक स्प्रे करने से खरपतवार अंकुरण ही नहीं होते हैं, तो 72 घंटों वाली खरपतवार नाशक का आप प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, सिंचाई। तो भारी मिट्टी में 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और हल्की मिट्टी पर लगभग 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मूंग की फसल पर लगभग 10-10 दिनों के अंतराल पर हमको सिंचाई करना चाहिए। जैसे पहली सिंचाई हमको बुआई के समय ही करनी चाहिए, जिसे किसान भाई पलीवा भी कहते हैं। दूसरी सिंचाई 3 पत्ती होने पर लगभग 10-12 दिनों की अंतराल पर हमको दूसरी सिंचाई करना चाहिए, और लगभग तीसरी सिंचाई दूसरी सिंचाई से 10-12 दिनों की अंतराल पर हमको सिंचाई करना चाहिए, और इसी प्रकार हमको चौथी सिंचाई भी तीसरी सिंचाई से 10-12 दिनों की अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आवश्यकता अनुसार हमको सिंचाई करना है, और आपको ध्यान रखना है कि आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा मिट्टी के हिसाब से ही आपको सिंचाई करना चाहिए। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, पहली खाद। तो हम अपनी मूंग की फसल पर केवल एक खाद का प्रयोग करने वाले हैं। जब मूंग की फसल 14 से 15 दिन की होती है बुआई से, तो आपको लगभग 15 से 20 किलोग्राम यूरिया और 3 किलोग्राम सल्फर, जो 90% वाली WDG फॉर्म वाली आती है 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही उन्नतशील रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं मूंग की फसल पर लगने वाले कीट, फंगस और इंसेक्ट। तो मुख्य रूप से थ्रेप्स, एफिड, जेसेड, व्हाइट फ्लाई, इल्ली, सेमी लूपर्स, इसके अलावा फली छेदक, पीला मोज़ेक वायरस, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिलता है। तो बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में, जो आप लगभग सही प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो देखिए, मूंग की फसल पर हमको आवश्यकता अनुसार ही स्प्रे करना चाहिए। अब कई किसान भाई 4 स्प्रे करते हैं, तो कई किसान भाई 2 स्प्रे, तो कई किसान भाई केवल और केवल मूंग की फसल पर 1 स्प्रे करते हैं। मूंग की फसल पर आवश्यकता अनुसार ही हमको कीटनाशक दवाइयों का, फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे, जैसे ही हमारी मूंग की फसल 12 से 13 दिन की होती है, तो हमको लेना है एमामेक्टिन बेंजोएट केवल और केवल 40 ग्राम, और उसके साथ आप मिक्स कर लीजिए UPL कंपनी की साफ, जिसमें कॉम्बिनेशन है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का। तो आपको इन दोनों को मिक्स करके 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर दीजिए। बात करते हैं सेकंड स्प्रे। तो दूसरे स्प्रे पर जैसे ही मूंग की फसल बुआई से लगभग 25वें दिन की होती है, तो फ्लुवेंडिया माइड यानी फेम को ले सकते हैं केवल और केवल 30 ml, और उसके साथ आप एक फंगीसाइड मिक्स कर लीजिए, स्वादीन फंगीसाइड, जिसमें टेबुकुनजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है 250 ग्राम। आपको फेंटाक प्लस एक ऐड करना है 100 ml। इन तीनों को मिक्स करके 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड स्प्रे। तो तीसरे स्प्रे पर 35वें दिन बुआई से आप कोराजन 50 ml स्प्रे आप कर सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ स्प्रे। मूंग की फसल 45 दिन की होती है, तो एम्पलीगो 60 ml, लेमडा साइलोथ्रिन केवल और केवल 150 ml, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से 50 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। हम आपको 3-4 स्प्रे इसलिए बताए हैं क्योंकि गर्मियों के टाइम पर जो कीटनाशक होती हैं, फंगीसाइड हैं, भले इंसेक्टिसाइड हैं, तो लंबे समय तक हमको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और वैसे भी गर्मियों के दिनों पर हाई टेम्परेचर पर
किसी भी कीटनाशक दवाई के रिजल्ट ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल पर हमने 4 स्प्रे बता दिया है। यदि बहुत ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है तो आप आवश्यकता अनुसार डोज को अप्लाई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों के द्वारा कमेंट आते हैं कि क्या हम मूंग की फसल पर NPK घुलनशील खाद का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, कर तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप कम से कम लागत पर ही ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने की कोशिश करें। और यदि आप 19-19-19 घुलनशील खाद का स्प्रे कर ही रहे हैं तो यह फसल पर निर्भर करती है कि हमको स्प्रे करना है या नहीं है। हरी भरी फसल है तो ऑलरेडी कोई ज़रूरत नहीं है स्प्रे करने की। और यदि आप स्प्रे ही कर रहे हैं तो आप 1 किलोग्राम, जब आपकी मूँग की फसल 35 से 40 दिन की होती है, तो आप स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं फसल का जीवन चक्र। तो जो मूंग की फसल है, यह 2 महीने की फसल है। किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि कुछ वैरायटी 52 दिनों पर तैयार हो जाती हैं, कुछ वैरायटी 60 से 65 दिनों पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। तो 100 बात की एक बात यह है कि कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है मूंग की खेती। बात करते हैं उत्पादन के बारे में। तो कुछ इस प्रकार यदि आप खेती करेंगे तो 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं, चना, सरसों के बाद आप खेत को खाली मत पड़े रहने दो, उस पर आप मूंग की खेती करो, क्योंकि कम लागत पर एक अच्छा मुनाफा देने वाली, कम समय पर ज़्यादा मुनाफा देने वाली मूंग की बुआई कर दीजिए। तो किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार यदि मूंग की खेती करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक किया करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर किया करो, ताकि हम आपको इसी प्रकार की और भी नॉलेजेबल जानकारी समय समय पर प्रदान करते रहें, किसानों का फायदा होता रहे। तो मिलते हैं कुछ और ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।